नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत तेज हो गई है और इंडिया गठबंधन का निर्माण भी हो गया है। सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन के नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। जितने भी एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो चर्चा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार को लेकर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जो है वो मंथन कर रहे हैं। और इन दिनों लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात खूब हो रही है, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा इतना आसान नहीं, क्योंकि 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद और जेडीयू आमने सामने हैं। 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर राजद के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं और जेडीयू भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इन 8 सीटों को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ज्यादा परेशान हैं और इसको लेकर खूब मंथन हो रहा है कि आखिर कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, कौन अपनी सीट कुर्बानी देगा। क्योंकि देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में शामिल थी और महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और कुछ पार्टियां थी। यानी कि नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन के विरोध में थे, कांग्रेस के विरोध में थे, आरजेडी के विरोध में थे। तो उस वक्त 17 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू जो है वो महागठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी। तो उसमें से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार और राजद के उम्मीदवार आमने सामने हुए थे। कुछ सीटों पर जोरदार मुकाबला देखने को मिला था और कुछ ऐसे सीटें हैं जहां से राजद चुनाव लड़ती रही। तो चलिए अब उन सीटों की बात करते हैं कि आखिर वो 8 सीट कौन सी है और इन सीटों को लेकर महागठबंधन में राग क्यों छिड़ सकता है। तो सबसे पहले हम झंझारपुर लोकसभा सीट की बात करते हैं। झंझारपुर सीट को लेकर महागठबंधन में मामला जो है फंस सकता है। झंझारपुर सीट पर अभी जदयू के रामप्रीत मंडल जो है वो सांसद है। 2019 में रामप्रीत मंडल ने आरजेडी के उम्मीदवार गुलाब यादव को यहाँ चुनाव हराया था और रामप्रीत मंडल यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। और 2004 में राजद का इस सीट पर कब्जा था, आरजेडी के देवेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते हैं। तो झंझारपुर लोकसभा सीट ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी के उम्मीदवार अक्सर चुनाव लड़ते रहे हैं। तो झंझारपुर सीट पर एक तरफ जहां जदयू के वर्तमान सांसद हैं रामप्रीत मंडल, वो चाहते हैं कि जदयू से फिर वो चुनाव लड़े। इसके अलावा जदयू के कई और नेता भी झंझारपुर को लेकर तैयारी कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के जो नेता हैं खासकर के गुलाब यादव, वो ताल ठोक रहे हैं कि उन्हें यहां से हर हाल में चुनाव लड़ना है। गुलाब यादव के अलावा भी आरजेडी और महागठबंधन के कई ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि यह सीट जो है आरजेडी के खाते में जाए। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव से वो नेता बातचीत भी कर रहे हैं कि झंझारपुर लोकसभा सीट को आरजेडी अपने पाले में ही रखे ताकि आरजेडी के जो नेता हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ सके। अब आगे चलते हैं, आगे जो सीट की चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। खास नीतीश कुमार के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा खास लालू प्रसाद यादव के लिए है। वो सीट है मधेपुरा लोकसभा सीट, जिसे यादव लैंड भी कहा जाता है। एक कहावत भी है, रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, गोप मतलब यादव। मधेपुरा से अभी तक यादव जाति के ही नेता सांसद बनते रहे हैं। यहां से खुद लालू प्रसाद यादव भी सांसद रहे, यानी कि मधेपुरा की जनता ने लालू प्रसाद यादव को लोकसभा भेजा है। इसके अलावा शरद यादव, पप्पू यादव जैसे तमाम नेता यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। अभी मधेपुरा सीट पर जदयू का कब्जा है। जदयू के दिनेश चंद्र यादव जो हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतकर आए हैं, लेकिन आरजेडी मधेपुरा सीट को अपने पाले में रखना चाहती है। वजह इसलिए क्योंकि आरजेडी का मधेपुरा में दबदबा रहा। 2019 में यहाँ पे तीन तरफा लड़ाई देखने को मिली थी। एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार शरद यादव थे जो कि अब नहीं रहे दुनिया में, उनका निधन हो गया है, तो दूसरी तरफ जदयू के दिनेश चंद्र यादव थे और तीसरी तरफ जाप के पप्पू यादव। और इस तीन तरफा लड़ाई में जदयू के उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे।
शरद यादव के बेटे जो हैं अब आरजेडी में शामिल हैं और वो चाहते हैं कि आरजेडी उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़े, ताकि उनके पिता शरद यादव का ये जो सीट रहा है उस सीट पर वो वहां से चुनाव लड़ सके। तो देखना होगा कि मधेपुरा सीट पर क्या फिर से जदयू के ही उम्मीदवार उतरते हैं या फिर आरजेडी अपने एक पाले में करती है और शरद यादव के बेटे को मैदान में उतारती है, या फिर पप्पू यादव जो है इस सीट पर उनकी भी नजर है, वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल किया जाए और मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया तीनों में से कोई एक सीट दे दिया जाए। तो क्या यह सीट पप्पू यादव के खाते में जाएगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं। अगला सीट जो है ये भी खास है क्योंकि यह सीट गोपालगंज है, लालू प्रसाद यादव का गृह जिला गोपालगंज, जहां लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ, गोपालगंज से फिर रायसीना तक पहुंचे हैं। तो लालू प्रसाद यादव के लिए गोपालगंज सीट खास रहा है क्योंकि देखिए अभी गोपालगंज सीट पर जदयू के उम्मीदवार का कब्जा है। जदयू के आलोक कुमार सुमन जो है 2019 में चुनाव जीत कर आए थे, 2019 में उन्होंने आरजेडी के सुरेंद्र राम को चुनाव हराया था। लेकिन इस सीट को लेकर लालू प्रसाद यादव जो है जदयू पर उतना दबाव बनाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लालू यादव का जो परिवार है वो छपरा यानी कि सारण से चुनाव लड़ता रहा है। लालू यादव के साल साधु यादव गोपालगंज से चुनाव लड़े हैं, सांसद बने हैं और अक्सर इनका ही लोकसभा क्षेत्र भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते कि गोपालगंज जो सीट है उनके खाते में आए, हालांकि जो आरजेडी के जो नेता है वो चाहते हैं कि यह सीट जो है राजद जो है अपने पास रखे, ताकि लालू प्रसाद यादव के जो समर्थन है जो उनका वोट जो है इंडिया गठबंधन के खाते में जाए। देखना होगा कि गोपालगंज सीट को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव क्या कुछ फैसला करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे हॉट सीट की चर्चा करने जा रहे हैं। इन आठों लोकसभा सीट में जो सबसे अधिक चर्चित सीट है वो है सीवान लोकसभा। सीवान लोकसभा जहां बाहुबलियों की पत्नियां आपस में लड़ती हैं, एक तरफ जदयू के बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने 2019 में ताल ठोका था और दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को उन्होंने चुनाव हरा दिया था। इसलिए अजय सिंह जितना नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद यादव के लिए भी महत्वपूर्ण, और दोनों ही परिवार इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अजय सिंह चाहते हैं यह सीट उनके खाते में ही रहे, तो वहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो परिवार है, हिना साहब है, उनके बेटे उसामा साहब है, वो इस सीट पर अपना दावेदारी ठोकते हैं। तो ऐसे में देखना होगा ये सीट किसके खाते पर जाए, क्योंकि देखिए अभी मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार जो है आरजेडी से थोड़ा नाराज भी चल रहा है, और लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार पार्टी से नाराज जाता है, पार्टी से टूटता है, तो फिर आरजेडी के MY समीकरण पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो MY समीकरण को कैसे बचाना है इसको लेकर कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के मन में कोई ना कोई प्लान होगा। क्या इस सीट को फिर से हिना साहब के खाते में देकर लालू प्रसाद यादव उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए यह परेशानी है कि अजय सिंह जो कि एक बाहुबली नेता है और राजपूत जाति से आते हैं, और कविता सिंह जो है अभी सांसद है, तो अगर नीतीश कुमार कविता सिंह का टिकट काटते हैं तो फिर ये मैसेज जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन है, जो नीतीश कुमार है, वो सवर्णों के खिलाफ में है। तो नीतीश कुमार सवर्णों को भी नाराज नहीं करना चाहते। तो देखना होगा कि सीवान लोकसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर बैठकर क्या कुछ फैसला करते हैं। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं। यह सीट भी जो है सीवान से कम खास नहीं है, नाम है भागलपुर लोकसभा सीट। भागलपुर लोकसभा सीट पर भी जदयू का ही कब्जा है। जदयू के अजय मंडल ने 2019 के चुनाव में राजद के बुल्लू मंडल को चुनाव लड़ाया था, मंडल बनाम मंडल की लड़ाई हुई थी और इसमें जदयू के मंडल साहब चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। दोनों नेता एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना होगा महागठबंधन दोनों मंडलों में से किस पर अपना भरोसा जताती है। क्या नीतीश कुमार अपने पहलवान को फिर
फिर से यहाँ पे उतारेंगे, या फिर बुलो मंडल जो कि थोड़े लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो बुलो मंडल को लेकर लालू प्रसाद यादव क्या फैसला लेते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और देखिए ये इन्हीं सीटों के कारण जो है इंडिया गठबंधन थोड़ा परेशान नजर आ रहा है। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं, अगले सीट जिसे समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, जिस सीट में बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े हस्तियों को जो है दिल्ली भेजने का काम किया, वो सीट है बांका लोकसभा सीट। दिग्विजय सिंह जैसे नेता को चुनकर दिल्ली भेजने का इस सीट ने काम किया है, और इसे समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर कभी भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं। 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में यहाँ पर तीन तरफा लड़ाई देखने को मिली थी। दरअसल हुआ यूं कि 2019 में जदयू के गिरधारी यादव को एनडीए की तरफ से उतारा गया, तो बीजेपी की पुतुल कुमारी और दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी जो है पुतुल कुमारी, उन्होंने भाजपा से बगावत और निर्दलीय मैदान में उतर गई। उन्हें भी करीब 1 लाख मत आए थे। और तीसरी तरफ आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव थे, जेपी यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी माने जाते हैं। तो गिरधारी यादव इस रन में चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे, और गिरधारी यादव एक बार फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गिरधारी यादव का एक बढ़िया रिकॉर्ड इस क्षेत्र से रहा है, करीब 3 बार से अधिक ये सांसद भी बन चुके हैं। लेकिन जेपी यादव जिन्हें लालू प्रसाद का पहलवान भी हनुमान भी कहा जाता है, वो भी यहाँ से चुनाव हर हाल में लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर क्षेत्र में एक टीम भी, तो देखना होगा लालू प्रसाद यादव क्या अपने हनुमान पर भरोसा जताते हैं, या फिर गिरधारी यादव को एक बार फिर से नीतीश कुमार मौका देते हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से क्या फिर से पुतुल कुमारी आएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब अगले लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, जहानाबाद, जहां पर 2019 के चुनाव में कांटे की लड़ाई हुई, जदयू के उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है मात्र कुछ हजार मतों से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, जैसे तैसे वो चुनाव जीते। और आरजेडी के सुरेंद्र यादव ने क्या जोरदार प्रदर्शन किया था, अंतिम समय तक दोनों नेताओं के, दोनों उम्मीदवारों की सांसें अटकी रही थी। हालांकि बाद में जो है चंदेश्वर प्रसाद यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, तो वोटों का अंतर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के दिमाग में भी खटक रहा होगा, और लालू प्रसाद यादव भी समझ रहे होंगे कि 2019 में ऐसा चुनाव हुआ था, ऐसा मोदी लहर था कि महागठबंधन 40 में से मात्र एक सीट जीत पाई थी, और इसमें से अगर यहाँ पे इतना फाइट हो गया तो अभी के समय में आरजेडी कितनी मजबूत फाइट कर सकती है। तो देखना होगा कि जहानाबाद से क्या फिर से सुरेंद्र यादव जो है आरजेडी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, या फिर जदयू के खाते में यह सीट जाएगी। तो इन्हीं 8 सीटों को लेकर जो है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव परेशान चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर फैसला करना इतना आसान नहीं है, जैसे सिवान, भागलपुर, बांका, मधुबनी, झंझारपुर, ये जो गोपालगंज, ये जो सीटें हैं कहीं ना कहीं अपने आप में एक चुनौती है कि आखिर इस मसले को कैसे सुलझाए। तो देखना होगा कि आखिर बिहार का जिसे चाणक्य नीतीश कुमार कहा जाता है, बिहार की राजनीति के गुरु जिसे लालू प्रसाद यादव कहा जाता है, कैसे इस मसले को सुलझाते हैं। बहरहाल अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंद कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर, बहुत बहुत